हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि उसमें आपको बताना है कि जब एनोड कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन 10 फैक्टर से बढ़ जाता है, जब जो सेल पोटेंशियल है उसमें क्या वेरिएशन आता है कंपेयर टू केस वन में, जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर और कैथोड कंपार्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में यहाँ पे एक सेल दी है, तो सेल में से हम रिएक्शन को निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल दी है और यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल दी है, वो हम लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो क्या है, पी बी गिव्स पी बी टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। दूसरी है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन में हाफ सेल में ए जी पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स ए जी। यहाँ पे इसका सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे लीड का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 2 कीजिए आप, इधर भी 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड पे होती है, एनोडिक रिएक्शन। ये है रिडक्शन, रिडक्शन होता है कैथोड में। एनोड और कैथोड की रिएक्शन अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट रिएक्शन मिलेंगे। तो हम रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हम मिलेगा पी बी प्लस यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव गिव्स पी बी 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, यह कंप्लीट रिएक्शन है। अभी हमें निकालना क्या है कि फर्स्ट केस में सेल पोटेंशियल कितना है, यह हमें निकालना है। तो फर्स्ट केस में E1 है, E1 कैसे निकलेगा, नर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा। तो नर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF ln Q। RT बाय LF ln Q, ln को हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E0 माइनस RT बाय NF इंटू 2.303 लॉग Q। RT बाय F इंटू 2.303, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेंगी E0 माइनस 0.059। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लॉग क्यू। अभी नर्स्ट इक्वेशन में जो क्यू है वो है आयोनिक प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन का हमको आयोनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। फॉर दिस रिएक्शन आयोनिक प्रोडक्ट इज क्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट द रिएक्टेंट साइड। लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में सिल्वर है वो सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब सॉलिड स्टेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। जो आयन है वही हमको लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बी टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, पी बी प्लस ए जी पॉजिटिव। पी बी सॉलिड है, इसका मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट है, ये इक्वेशन में आएंगे। एंड यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव है, तो 2 जो रहेगा वो जाएगगा पावर में, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 यहाँ पे पावर पे चले जाएंगे। तो ये हमको मिल गया Q। तो E1 के लिए Q क्या मिलेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पी बी का 1 मोलर है, इधर भी कॉन्सेंट्रेशन पी बी का 1 मोलर है, तो आप यहाँ पे लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Q क्या आ गया अपना, 1 आ गया। यहाँ पे Q की वैल्यू 1 रखो, Q की वैल्यू हमने रख दी 1, तो log 1 का मतलब होता है 0। तो ये जो टर्म है पूरी 0 आ जाएंगी, तो अपना E1 आ जाएगा सिर्फ E0, जो E1 था यहाँ पे E0 आ जाएगा, क्योंकि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है,
इसका मतलब ये स्टैंडर्ड सेल है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो 1 मोलर रहता है। अगर गैस होती तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहता था। और टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हम टेम्परेचर को 298 केल्विन अज्यूम कर लेते हैं, तो पूरे ये वैल्यू लॉग 1 होने की वजह से 0 हो जाएंगी, और जो सेल पोटेंशियल था फर्स्ट केस में वो E0 आ जाएगा। अभी सेकंड केस में क्या हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन है एनोड कंपार्टमेंट में वो 10 गुना बढ़ गया है। तो एनोड कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हुई है वो वही रिएक्शन है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उस किसका चेंज होगा, Pb2 पॉजिटिव का। अभी नेक्स्ट जो Q आएगा हमारा, हम लिखते हैं इसको Q2, Qt लिखते हैं इसको। Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ गया है, तो आप ये 10 लिखो। Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज नहीं हुआ है, 1 ही है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो Q2 आ जाएगा अपना 10। तो E2 हम लिखते हैं, E2 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग क्यू। क्यू सेकेंड केस में क्यू हमारा 10 है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये जो पूरी टर्म आएंगी वो 0.059 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.0296, ये वैल्यू आ जाएंगे उसकी जगह। लेकिन E0 क्या है, फर्स्ट केस में E1 इज इक्वल टू E0 है, तो हम E0 की जगह E1 पुट अप कर सकते हैं। तो E2 इज इक्वल टू E0 की जगह E1 लिखो, माइनस 0.0296, ठीक है। तो जो E2 है सेल पोटेंशियल है E2, वो E1 से 0.0296 से कम है। हमारे पास ऑप्शन भी है डी ऑप्शन, उसमें बताया गया कि इट डिक्रीज बाय 0.0296। इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। दोस्तों ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें। और हाँ, आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपके पास कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।